हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। साथियों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। यह है आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास। तो साथियों, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी होली। तो चलिए फिर शुरुआत करें आपके आज के इस बेहतरीन सेशन का। तो जैसा कि आप सबके लिए, इसमें भी मैं मिक्स क्वेश्चंस का सेट लेकर आया हूं। तो ये मिक्स क्वेश्चंस आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके, इन सब पार्ट्स को कवर करेगा। यहां पे हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में 3 सेक्शन आएंगे नीचे इसके, और हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें हिस्ट्री में एंशियंट, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो बाकी सब सेम रहेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने आता है वो क्या है? चलो, सबसे पहला प्रश्न, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? राजस्व सुधारों को, चलो मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, बताओ जरा, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? Who initiated the revenue reforms first? ग्यासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजशाह तुगलक। 30 सेकंड में आपको देता हूं, 30 सेकंड। जल्दी बताओ जरा, 30 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं। देखो, ये सभी के सभी दिल्ली सल्तनत, ये सभी के सभी दिल्ली सल्तनत के हैं। साथियों, ये सारे के सारे दिल्ली सल्तनत से हैं। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश आता है बाद में, खिलजी वंश पहले आता है। और खिलजी वंश तो भैया बहुत तगड़े तगड़े, बहुत ही ज्यादा पावरफुल पावरफुल डिसीजन लेने वाला आदमी है, ये बात याद रखिएगा। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले कौन सा आता है भैया? गुलाम वंश आता है। बाद में कौन सा आता है भैया? खिलजी वंश आता है। और उसके बाद में कौन सा आता है भैया? तुगलक वंश आता है। तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले ऐसा व्यक्ति बनता है जो राजस्व कारों का काफी सारे डिसीजंस लेता है, जिसमें लैंड रेवेन्यू, पता नहीं क्या क्या। इसके अलावा यही नहीं, मिलिट्री में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेता है। और दिल्ली सल्तनत में जितने 5 वंश आए, जितने भी बादशाह आए, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी मिलिट्री इसी ने रखी थी। और सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन भी इसी ने किया था। ठीक है, चलिए चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। और क्या है? भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? Who is the author of the book भारत एक खोज? Who is the author of the book भारत एक खोज? जल्दी बताओ, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताइए जरा। Who is the author of the book भारत एक खोज? Who is the author of the book भारत एक खोज? जल्दी बताओ जरा। देखो, जवाहरलाल नेहरू, क्या इसका आंसर बनता है? जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर बनता है, ये बात याद रखिएगा। श्याम बेनेगल, श्याम बेनेगल, ठीक है, श्याम बेनेगल के द्वारा ये किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। ये किस था? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी गई थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, वो भी नेहरू जी के द्वारा ही लिखी गई थी, उसी के ऊपर बेस ये पुस्तक है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस भाग में अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? पार्ट, भाग नंबर 18, 19, 21 या 22, जल्दी बताओ जरा। भाग नंबर 18, 19, 21 या 22, संविधान के किस भाग में अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? विशेष उपबंधों के प्रावधान है, ये बताओ जरा। चलो चलो, जल्दी बताओ जरा।
इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर प्रोविजन फॉर द टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। देखो स्पेशल पावर्स कुछ राज्यों को, जैसे कि आर्टिकल नंबर 360 धारा 370 कितनी खतरनाक धारा रही है, ठीक है, इंडिया के इतिहास में डेमोग्राफिक डिविडेंड तक बदलने का प्रयास किया गया, भाग नंबर 21, इसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है, बिल्कुल। कौन कौन से राज्यों को स्पेशल दर्जे दिए गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ राज्य हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जोहार सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है, जोहार सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है, ये बताओ जरा। चलो जवाहर टनल किसे दिया गया है, ये बात याद रखना। देखो जो पीर पंजाल रेंज के एक है, पीर पंजाल, एक है पीर पंजाल श्रृंखला, उसके पास क्या है, बनिहाल दर्रा, उसके पास क्या है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास, ठीक है, उस बनिहाल पास, उसी उस बनिहाल दर्रे पे ये सारा सिस्टम है, बनिहाल और काजीगंध, बनिहाल और काजीगंध, इन दो जगहों को ये आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ये बात याद रखना। तमिल भाषा के शिल्पाधिकर्म और मनी मेखालाई नामक गौरव ग्रंथ किसे संबोधित है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकर्म और मनी मेखालाई नामक गौरव ग्रंथ किससे जुड़े हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म, जल्दी बताओ जरा। चलो शिल्पाधिकर्म, मनी मेखालाई, तमिल लैंग्वेज रिलेटेड ज्योग्राफी विथ रिलीजन, कौन से धर्म से जुड़े हैं ये बताओ जरा। मनी मेखालाई तो बड़ा ही प्रसिद्ध है, जल्दी बताओ जरा। चलो
है? चलो तो प्रश्न क्या है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को, संसद को, कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को, गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न को? जल्दी बताओ जरा, राइट टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट, जल्दी बताओ जरा किसके पास है ये? Who among the following has the right to change the name of a state? किसी राज्य का नाम करने, नामकरण, देखो देखो हमारे संविधान का जो भाग नंबर पहला है वो किसी भी राज्य का परिवर्तन करने में, किसी राज्य का साइज बढ़ाने में, किसी राज्य का साइज छोटा करने में, एक राज्य से कई राज्य बनाने में, या किसी राज्य का भाग दूसरे राज्य को देने की सारी शक्तियां भैया संसद को दे देता है। तो संसद के पास ही कुल मिलाकर ये नाम वाम रखने की क्या है, शक्ति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया, जल्दी बताओ जरा। ये बताओ जरा, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई, जल्दी बताओ जरा। ऑन हूज रिकमेंडेशन वॉज द पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया, पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम किसकी रिकमेंडेशन पर, ऑन हूज रिकमेंडेशन वॉज द पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? संसद की नियम समिति, संसद की क्या है, नियम समिति है, याद रखना संसद की क्या है, नियम समिति के द्वारा यह सुझावित किया गया था, यह बात आपको याद रखना। संसदीय कमेटी सिस्टम, संसदीय, देखो एक बात याद रखना, हमारी संसद देश का सबसे ज्यादा प्रमुख केंद्र है, प्रमुख संस्थान है, इसके ऊपर काफी ज्यादा काम का बोझ होता है, उस बोझ से कारण ही इसके ऊपर ये सारे बदलाव किए जाते हैं, याद रखना ये सारे बदलाव होते हैं। असल में क्या है कि संसद के कार्यभार को ज्यादा देखते हुए उस दृष्टि में किसी खास काम को, कोई ऐसा बिल जिसमें किसी प्रकार के एक्सपर्टीज की जरूरत हो, किसी विशेष प्रकार के वर्ग की जरूरत हो, या फिर कोई ऐसा बिल जो मतलब किसी कमेटी द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, या फिर अगर संसद के ऊपर किसी समय काल में ज्यादा वर्कलोड हो, उस वर्कलोड को कम करने के लिए ऐसा काम किया जाता है कि संसद को बिल्स दे दिए जाते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी कमेटीज बनाई गई हैं जिनके द्वारा सरकार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तीक्ष्ण तरीके से निगरानी रखी जाती है। ठीक है, ये बातें, ये सबसे बड़ा कारण होता है इन संसदीय कमेटीज का। चलिए, दक्षिण भारत का पर्वतीय सौरगा उद्गम दल या उट्टी किस राज्य में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, जल्दी बताओ जरा। इन विच स्टेट इज द उट्टी द माउंटेन रिसोर्ट ऑफ साउथ इंडिया लोकेटेड, सोर्स है जल्दी बताओ जरा। इन विच स्टेट इज द उट्टी द माउंटेन रिसोर्ट ऑफ साउथ इंडिया, उट्टी कहां पर है, उट्टी। देखो नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर
जो नीलगिरी का जिला है वहां पर भी एक केंद्र स्थान है, याद रखना, तमिलनाडु में ऊटी। चलो चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर, वो क्या आ रहा है। द ऑथर ऑफ द माल्टी माघव, मालती माघव, ऑथर ऑफ द मालती माघव, मालती माघव, जल्दी बताओ जरा, मालती माघव के ऑथर कौन है ये बताओ जरा, मालती माघव के ऑथर कौन है जरा ये बताओ जरा। चलो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मालती माघव। भावभूति, क्या इसका आंसर बनता है? भावभूति इसका आंसर बनता है, याद रखिएगा। क्या इसका आंसर बनता है? भावभूति इसका आंसर बनता है। चलो, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से कहां पर है? सिंधु व जेलम, जेलम व चिनाब, चिनाब व रावी, रावी या व्यास, जल्दी बताओ जरा। ये आपका प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में है? तक्षशिला सिचुएटेड बिटवीन विच टू रिवर्स, तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में है, ये बात याद रखिए, बताना जरा। देखो, सबसे पहली बात, तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1980 में दिया गया है। यह एक समय काल था, यह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के एरिया में आता है, यह बात आपको याद रखनी है। ये इंडस और जेहलम के बीच में है, कहां पर है? इंडस और जेहलम के बीच में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द ग्वालियर स्टेट, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी ये बताओ जरा। हु फाउंडेड ग्वालियर स्टेट, ग्वालियर स्टेट की स्थापना किसने की थी? देखो, 1731 में ग्वालियर स्टेट को एस्टैब्लिश किया गया था। कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1731 में से एस्टैब्लिश किया गया था। इसे सिंधिया परिवार के द्वारा, जैसे सभी नाम सिंधिया हैं, सिंधिया परिवार के द्वारा इसे चलाया जाता था, ये बात याद रखिएगा। जल्दी बताओ जरा, किसके द्वारा? Who founded ग्वालियर स्टेट? माधव राव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधे, जीवाजी राव सिंधिया। देखो क्या है, महादजी सिंधे, याद रखिएगा। क्या है? महादजी सिंधे। महादजी सिंधे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जिन्होंने पानीपत के 1761 के तीसरे युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य को 10 साल के लिए उत्तर भारत में मजबूत रखा। चलिए, वेम्बानंद रेल ब्रिज कहां पर लोकेटेड है ये बताओ जरा, वेम्बानंद रेल ब्रिज कहां पर है ये बताओ जरा। चलो, वेम्बानंद रेल ब्रिज, ये वेम्बानंद रेल ब्रिज कहां पर है जरा ये बताइए। चलिए, वेम्बानंद रेल ब्रिज कहां पर है जरा ये बताइए। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला, केरला, याद रख, ठीक है। चलो, बिल्कुल, 4620 मीटर की क्या है इसकी लंबाई है, याद रखना। चलो, अगला प्रश्न क्या है, अंबेर का किला किस राज्य में है? अंबेर फोर्ट, जल्दी बताओ, अंबेर फोर्ट, अंबेर का किला किस राज्य में है ये बताओ जरा, अंबेर का किला किस राज्य में है ये बताइए जरा। चलिए, अंबेर का किला किस राज्य में है ये बताइए जरा। चलिए, ये अंबेर का किला किस राज्य में है जरा ये बताइए। चलिए, देखो, अंबेर का किला सबसे पहली बात तो राजस्थान में जयपुर के पास है, किसके पास है? जयपुर के पास है, ठीक है। अंबेर का किला राजस्थान में कहां पर है? जयपुर के पास है, ये बात आपको याद रखनी है। विश्व विरासत स्थल का हिस्सा ये बनता है, याद रखिएगा। किसका रासा हिस्सा बनता है ये? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 2013 में। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, कासू
ब्रह्मनंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? कासू ब्रह्मनंद रेड्डी नेशनल पार्क, कासू ब्रह्मनंद रेड्डी नेशनल पार्क, कासू ब्रह्मनंद रेड्डी नेशनल पार्क कहां पर है? तेलंगाना में। कहां पर है? और तेलंगाना में है, ठीक है। कहां पर है? तेलंगाना में, ये बात याद रखना। और ये आता कहां पर है? जुबली हिल्स में। ये आता कहां पर है? जुबली हिल्स में आता है, याद रखिएगा। चलो, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, उनका नाम क्या था? एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, उनका नाम क्या था? जल्दी बताओ जरा। चलो, पानीपत, उनका नाम क्या था? काशीराज पंडित। क्या नाम था उनका? काशीराज पंडित नाम था उनका, याद रखिएगा। अल गजेरी रेगिस्तान किस देश में है? सऊदी अरेबिया, ईरान, सूडान, मिस्र। अल गजेरी रेगिस्तान किस देश में है, ये बताओ जरा। अल गजेरी रेगिस्तान, अल गजीरा डेजर्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, सूडान या इजिप्ट? सूडान। चलो, अगला प्रश्न क्या है? हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? जल्दी बताओ जरा। देखो, किसके साथ? मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के। क्या नाम था उनका? मोखरी के नरेश थे ग्रह वर्मा, ठीक है। वो कनौज के थे, उनके साथ इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था, याद रखना, ठीक है। कनौज और मगध वैसे भी बुद्धिज्म के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर माने जाते थे, और राज्यश्री खुद भी बौद्ध धर्म के प्रति क्या थी? बहुत ज्यादा मतलब आकर्षित थी। और राज्यश्री हर्षवर्धन की बहन महायाना बौद्ध धर्म को मानती थी। कौन सा? महायाना बौद्ध धर्म, महायाना बौद्ध धर्म की तरफ ये क्या थी? आकर्षित थी। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ? महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ, जरा ये बताओ जरा। शाक्य, ज्ञातक, मल्लास या लिच्छवी, जल्दी बताओ। महावीर बोर्न ऑन विच क्लैन, किस वंश में उनका जन्म हुआ? जल्दी बताओ जरा। देखो, इनकी माता जी थी लिच्छवी वंश थे, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? भारत विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारत विश्वविद्यालय अधिनियम, जल्दी बताओ जरा। चलो, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास बाय लॉर्ड डफरिन, कर्जन, साइमन, रॉबर्टसन, किसके द्वारा ये एक्ट पास किया गया था, ये बताओ जरा। चलो, क्या इसका आंसर आता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में।
लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में। अशोक की मृत्यु के बाद किसका तेजी से पतन हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका व्हाट वाज रैपिड डिक्लाइन? अशोक की मृत्यु के बाद किसका पतन हुआ ये बताओ जरा। अशोक की मृत्यु के बाद किसका पतन हुआ? अशोक की मृत्यु के बाद किसका पतन हुआ जल्दी बताओ। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका व्हाट वाज द रैपिड डिक्लाइन जल्दी बताओ जरा। चलो आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका व्हाट वाज रैपिड डिक्लाइन जल्दी बताओ जरा। मौर्य डायनास्टी मौर्य वंश किसका अशोका के मृत्यु के बाद, क्योंकि अशोका के मृत्यु बाद कोई ऐसा खास ताकतवर राजा मिला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म इस्तेमाल लिया और इसका पुत्र जो आया था उसने तो पूरा ही प्रॉपरली सेना को धीरे धीरे डिसबैन करना शुरू कर दिया, हथियारों को प्रयोग करना बंद कर दिया, तो इस तरह से ये साम्राज्य कमजोर होना शुरू कर दिया। बाद में गुप्ता हर्षवर्धन साम्राज्य आया, चलो गुप्ता साम्राज्य आया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के ऊपर हम महाभियोग मतलब उसको हटाने की प्रक्रिया चला सकते हैं? हटाने की प्रक्रिया से क्या मतलब है हमारा, समझो इंपीच, देखो उनको हटाना। देखो संसद में अगर किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को हटाना है तो आप संसद में उसका महाभियोग चलाएंगे, अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति ऑर्डर जारी करते हैं उसको हटाने का। लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो केवल दोनों संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही पारित को राष्ट्रपति को हटाना माना जाएगा आर्टिकल नंबर 61 के तहत, याद रखना। ये प्रोसेस भी वैसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोई हल्का सा प्रोसेस नहीं है, राष्ट्रपति है भैया देश का। चलो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जल्दी बताओ। विच आर्टिकल गिव्स द पावर टू ऑर्डर ऑर्डिनेंस इशू ऑर्डिनेंस कह सकते हो, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 23, ठीक है, क्या है आर्टिकल नंबर 23। तो चलिए साथियों इसी के साथ फिर आपकी आज की क्लास को खत्म करते हैं। सेफ होली मनाएगा, मतलब अपने आप को या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है और होली में कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।